السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि और मेरा मानना भी यह है कि अल्लाह की रजा में ही हमारी कामयाबी है, ये मेरा मानना है। और शुरू से अल्लाह की बड़ाई करना और उसके साथ साथ दुआ करना इंशाल्लाह हमको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मैं हमारी जो टीम थी जो इंडिया से गई थी अमेरिका लास वेगास, जिसमें 8 बॉडी बिल्डर्स थे, कृष्ण कुमार मूर्ति, लक्ष्मण रेड्डी, राजू यादव, विकास सिंह, संदीप कुमार। तो ये बॉडी बिल्डर्स में हमारे हैदराबाद को और आंध्र प्रदेश को 2 मेडल आए हैं। लक्ष्मण रेड्डी को गोल्ड मेडल आया है और राजू यादव को ब्रॉन्ज मेडल आया है। सबसे पहले जोरदार तालियां इन बॉडी बिल्डर्स के लिए प्लीज, क्योंकि एज ए कोच तो मैं गया था वहां पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में भी ये पहली बार था कि आंध्र प्रदेश से हैदराबाद से पहली बार इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने कोच को मुंतखब किया, मुझे सेलेक्ट किया। और मैं इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, खासतौर पर हमारे प्रेमचंद डेगरा जी जो 1988 के मिस्टर यूनिवर्स थे। उन्होंने कहा कि नहीं, 18 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है। हालांकि मेरे साथ में हमारे प्रेमचंद डेगरा जी भी साथ में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यंग कोच होना चाहिए। अगर यंग कोच होगा, क्योंकि आप 2 मेडल लिए हैं, एक तो मिस्टर वर्ल्ड में आपको मेडल आया है और मिस्टर यूनिवर्स में आपको पोजीशन आई है, तो आप यंग बॉडी बिल्डर अगर कोचिंग देगा टीम को, तो कोच हमारी मतलब इंडियन टीम आगे बढ़ सकती है। तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, उन्होंने मुझे लेटर भेजा, तो मैं काफ़ी परेशान था कि इतनी बड़ी इदारे किस तरीके से निभाऊंगा, लेकिन अल्लाह का करम रहा। वहाँ पर अमेरिका में जाते मैंने टीम को, पूरी टीम को जो टेक्निक्स थे, अपने टेक्निक्स बताए किस तरीके से हमको परफॉर्म करना है, किस तरीके से स्टेज पर अप्रोच होना है, और कलर का जो मसला रहता है कलर टाइमिंग के बारे में, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस लगाया। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हमको 4 प्लेसेस आए और 4 प्लेसेस पहली बार बसलमेनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को आए। तो इस तरीके से कीमती होता है, टाइम इज वेरी प्रेशियस, अपने टाइम की कदर करिए, बेकार मत रहिए, बेकार रात भर जगिए मत, चबूतरों पे मत बैठिए, होटलों पे मत बैठिए, अपना टाइम जो होता है उसको सही जगह पे लगाइए और मेहनत करिए, क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। मेहनत करिए, आप अगर पढ़ रहे हैं बेकार मत रहिए, अपने टाइम को अपने वक्त को बहुत कीमती समझिए, क्योंकि जो टाइम चले जाता है उसके बाद हमको एहसास होता है कि टाइम चला गया है हमारा। तो टाइम की कदर करना बहुत जरूरी है और मेहनत करना बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ को मेंटेन करिए, चाय, गुटखा, पान, सिगरेट, ये तमाम चीजों से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप ये तमाम चीजों से दूर रहेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। कि अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज के साथ साथ अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करिए। जो आदमी, जो लड़का अपने माँ बाप का फरमाबरदार होता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है।